सो गाइस, फेसबुक पेज में आप वीडियोस अपलोड करते हो, लेकिन आपको सही तरीका पता नहीं है किस तरह से आपको फेसबुक पेज पर वीडियो अपलोड करना है, रील्स अपलोड करना है। तो फेसबुक पेज में वीडियोस अपलोड करने के लिए कई सारे तरीके होते हैं। कोई क्रोम ब्राउज़र से अपलोड करता है, कोई फेसबुक ऐप से ही वीडियो अपलोड करते हैं, रील्स अपलोड करते हैं। फेसबुक ऐप से दो तीन तरह से वीडियो अपलोड कर सकते हैं। फेसबुक का ही क्रिएटर स्टूडियो एक ऐप्स है, उससे भी आप वीडियोस अपलोड कर सकते हो। तो आपको किस तरह से फेसबुक पेज में वीडियो अपलोड करना है और सही तरीका कौन सा है, मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना, लास्ट तक देखना। और आप कमेंट में जरूर बताना आप किस तरह से फेसबुक पेज पर वीडियोस अपलोड करते हो। तो फेसबुक को आप ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद आपका जो भी पेज है, पेज को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको ऊपर में देखने को मिल जाएगा प्लस का आइकॉन, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। और उसके बाद आपको स्टोरी, रील्स, लाइव अपलोड वीडियो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर आप लॉन्ग वीडियो अपलोड करना चाहते हो तो आप अपलोड वीडियो पर क्लिक करना। अपलोड वीडियो पर क्लिक करने के बाद आपका जो भी वीडियो होगा उसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद आप डन कीजिएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पर टाइटल, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आपका वीडियो का हिसाब से आपका जो भी टाइटल रहेगा, टाइटल डाल दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन भी डाल दीजिएगा, और आपका जो भी थंबनेल आपने बनाया है उस थंबनेल को आप यहाँ से ऐड कर लीजिएगा। तो ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर आपको और एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको अगर पब्लिक है तो आप पब्लिक ही रहने दीजिए। अगर आपका टॉप फैन में है तो आप उसको पब्लिक में कर लीजिएगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका जो वीडियो है ये पब्लिक होना चाहिए। अगर आपका टॉप फैन में रहेगा तो मतलब जो भी आपका फैन है उसको ही मिलेगा, दूसरों को नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कोलैबोरेटर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप किसी ऐसे पेज या किसी ऐसे अकाउंट को आपको सिलेक्ट करना होगा, यानी कि आपका जान पहचान का हो, ज्यादा फॉलोअर्स हो उनका, तो यहाँ पर उनका नाम सर्च कर लीजिएगा, नहीं तो उनका जो भी लिंक है यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद उसको सिलेक्ट करके उसके बाद आपको पोस्ट पर आप क्लिक कर दीजिएगा और आपका वीडियो पोस्टिंग होता रहेगा। और पोस्टिंग होने के बाद आप देखना इसका जो वीडियोस का व्यूज है ये ज़्यादा होने लगेगा और आपका फॉलोअर्स भी ज़्यादा बढ़ने लगेगा। तो वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप फेसबुक से देख रहे हो तो फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। चलते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।